हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को कॉन्फ़िगर करते हैं आपके विंडोज़ 10 के फोल्डर में। सो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जहां पर हम अपना डेटा सिंक कर सकते हैं और जब चाहे हम वो डेटा को कोई भी फोल्ड कहीं से भी हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज़ ये क्लाउड सर्विसेज है तो क्लाउड सर्विसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये डिवाइस स्पेसिफिक नहीं होता है, आप कोई भी डिवाइस से कहीं भी किसी समय में से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी से देखते हैं हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर इसको ड्राइव को कॉन्फ़िगर करने का है तो आपके पास यहाँ पर एक हाइड आउट बटन होती है, उस हाइड आउट बटन को आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक क्लाउड का सिम्बॉल है, उसे आप क्लिक करिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नया बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमें अभी तक मेरा वन ड्राइव कनेक्टेड नहीं है तो मुझे साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं अभी अपना अकाउंट डाल रहा हूँ इधर। अकाउंट डालने के बाद मुझे उसके बाद जाने के बाद जैसे मैंने अकाउंट डाला फिर उसके बाद साइन इन करूँगा। आफ्टर साइन इन वेट करते हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड मुझे डालना होगा। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मुझे साइन इन में क्लिक करने का है। अभी आपका वन ड्राइव साइन इन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो मेरा वन ड्राइव साइन इन हो गया। तो दिस इज माय लोकेशन जहां पर मेरा ऑफलाइन लोकेशन रहेगा। मैं इस लोकेशन को चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करने के फ़ायदा में ये होता है कि अगर मेरा ड्राइव क्रैश हो जाए तो मेरा दूसरे फोल्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट अभी हम इसको चेंज नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। सो जब अगर आप साइन इन करते हैं तो आपको कुछ प्रीमियम फैसिलिटी मिलती है, पेड है, बट अभी हम नहीं लेते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट नॉट नाउ में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है तो लेटर करेंगे ना। अब ओपन करते हैं हमारा ड्राइव। सो ये मेरा डिवाइस में जहाँ फोल्डर बना है वन ड्राइव, यूज़र शिव वन ड्राइव, यहाँ पर एक पे मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने बेस मशीन पे अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद हम उसको चेक करेंगे सेम चीज़ मुझे क्लाउड में मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम साइन इन करेंगे अपने वन ड्राइव को, तो ब्राउज़र ओपन करना है। उसके लिए गूगल में जाते हैं और वहाँ लिखते हैं कि वन ड्राइव लॉगिन। साइन इन वन ड्राइव, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। बार बार लॉगिन ना करना पड़े इसलिए कीप इन साइन इन कर दिया है। साइन इन कर दिया मैंने। सो मेरा ये वन ड्राइव का पोर्टल ओपन हो गया। तो वहाँ मैंने जो ऑफलाइन मशीन पे शिव करके फोल्डर बनाया था वो मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो इसका मतलब मेरा वो फोल्डर ऑनलाइन सिंक हो चुका है, मतलब मेरा वन ड्राइव का जो फोल्डर है ऑनलाइन सिंक है। मैं वापस एक फोल्डर और इधर बनाता हूँ जिससे मैं चेक कर सकूँ कि जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ मुझे मेरे मशीन में दिख रहा है कि नहीं। तो हम वापस से अपनी मशीन पे चलेंगे, मिनिमाइज़ करते हैं। तो वापस से हम वन ड्राइव में के लिए जाते हैं। तो माय कंप्यूटर में जाएंगे। माय कंप्यूटर में जाने के बाद वहाँ पर वन ड्राइव का एक फोल्डर है जो बना हुआ है। वन ड्राइव आप देखिएगा, आपको दिखेगा। तो वहाँ वन ड्राइव में आप क्लिक करिएगा।
वन ड्राइव में क्लिक करने का तो आपको शेव करके फोल्डर दिखेगा। देखिए वहाँ मैंने माई डॉक्यूमेंट करके फोल्डर बनाया था, मिल गया। अब मैं इसमें एक इमेज यहाँ से पुटअप करता हूँ, देखते हुए सिंक होता है कि नहीं क्लाउड के साथ में। तो ये स्लाइड करके मेरे पास पावर पॉइंट स्लाइड है, मैं उसे वहाँ पर से फोल्डर में कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी किया मैंने उसको, फिर उसके बाद वन ड्राइव के फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस से वन ड्राइव के फोल्डर पे जाते हैं और वहाँ पर मैं शिव फोल्डर के अंदर पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब चेक करते हैं कि हमारा क्लाउड में सिंक हुआ है कि नहीं। सो मैं वापस से अगेन ब्राउज़र ओपन करूँगा अपना। सो अपने ब्राउज़र ओपन करते हैं और चेक करते हैं, तो ये देखिए मेरा जो स्लाइड मैंने डाला था ये मुझे अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मिल गया है। ओपन करता हूँ तो अब देखते हैं, डायरेक्टली वहाँ पर मैं एडिट भी कर सकता हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।